तू तो गिरते गिरते बच गया। कब? अभी आवाज सुन के क्या हो गया था तेरे को? ऐसे डगमगा गई साइकिल? अरे रुकी, एकदम इतनी तेज आवाज आ रही, मैं डर गया। अरे क्या हो गया? चल ठीक है, नीचे से एरोप्लेन जा रही है। नीचे से एरोप्लेन जा रहा है। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लॉर्ड अपने नए एपिसोड के साथ। और आज के व्लॉग में चीज होने वाली है खास, क्योंकि आज मेरे एक फ्रेंड का कैफे ओपन हो रहा है, तो मैं वहां जाके देखने वाला हूँ कि कहाँ पे कैफे है, क्योंकि भाई ने इनवाइट किया था और मैं अभी जस्ट नहा धो के तैयार होके निकला हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई के यहाँ जाए और उसका कैफे देखें। इनॉग्रेशन हो चुका है, तो या हो चुका है या होने वाला है, आई एम नॉट श्योर। उसने दिन में इनवाइट किया था, लेकिन दिन में मेरे घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि फिर मम्मी पापा जॉब वाले हैं तो मुझे ही थोड़ा चीजें देखना पड़ता है, सामान लाना वगैरह, मतलब उनके साथ ध्यान रखना उन सारी चीजों का। कुछ गलत हो रहा है तो बता दो कि भैया ऐसा कर दो वैसा कर दो, बहुत सारी चीजें आती है भाई। अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन कुछ भी करवाता हुआ देखा है अपने घर में, तो भाई ट्रस्ट मी, आपको वहां बैठना ही पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती है। क्योंकि जैसे अब मान लो एक कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, लेकिन अब वो बोर्ड को हटाना है क्योंकि एक वॉल को तोड़ना है, तो वो बोर्ड कहाँ जाएगा? मतलब वो लोग तो हटा देंगे, फिर वो बोर्ड के लिए अपन को पूरी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, लाइट्स लगानी पड़ेगी, सब बहुत सारे दिक्कतें होती है। तो आज उसी में बिजी था, तो मैं दिन में तो नहीं जा पाया, बट अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और अब मैं निकलने वाला हूँ, और देखते हैं जाते जाते कि क्या माहौल देखने को मिलता है, और वहां जाके ब्लॉग बनाते हैं और भाई के यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई भी करेंगे, टेस्ट करेंगे, और बताता हूँ आप लोगों को कैसा है, फिर आप भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। और ट्यून इन रहो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, अभी तक बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक कर दो एंड कॉमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सो दैट हमें ज्यादा सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें फॉलो करें, देखें मैजिशियन एडी के ब्लॉग्स को, पसंद करें। सो मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड, एंड अगली क्लिप आप लोग GoPro के देखोगे। फक्र से बोलो आई एम मैड एंड सी ऑल। अरे भाई साहब, पूजा पाठ करते करते अपन हो गए थोड़ा सा लेट, अब बज गए 8:15 और अब अपन निकल रहे हैं। उस टाइम 7:30 बज रहे थे, नीचे आया तो मैं हमेशा पूजा पाठ करके ही निकलता हूँ, या सुबह कर लेता हूँ तो शाम को नहीं करता, दिया लगा देता हूँ। लेकिन आज सुबह लेट उठा था, सुबह कर नहीं पाया और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो देखना पड़ गया, इस वजह से अब निकल रहे हैं। तो लेट्स रोल। तो गाइस फाइनली अपन निकल चुके हैं और अब फ्रेंड के कैफे पे जाके देखते हैं वहाँ का माहौल क्या है। मतलब आज तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब शायद अपना अड्डा चेंज होने वाला है, अब अपन दूसरी जगह बैठेंगे, देखते हैं वहाँ पार्किंग सेफ है कि नहीं, रोज़ अपन जा सकते हैं कि नहीं। अगर रोज़ जाने वाली पार्किंग मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर अपन को चिल करने के लिए वही प्लेस याद आएगी, तो यार पार्किंग का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ का, बड़ी ख़राब रोड है भाई साहब, ये देखो आप, जाकी क्या ट्रक है भाई, ट्रैक्टर सब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ट्रैक्टर की मतलब अलग ही झांकी बना के रखी, पीली नीली हरी, सही है भाई। लेकिन भाई एक्चुअली एक चीज़ है कि इंडिया में एक्चुअली हर कुछ कर करके इन लोगों ने लाइटिंग्स वाली चीज़ों को कॉमन करके बहुत चीप कर दिया है। नहीं तो फॉरेन में आपने देखा होगा, फॉरेनर्स यूजुअली बाइक के अंदर लाइट्स लगाते हैं तो वो डोम वाली फीलिंग आती है, अंदर से लाइट्स रहती है, क्या सेक्सी लुक आता है भाई, बाइक खड़ी भी करते हैं तो एक अलग ही लाइट्स जगमगा रही है। तो लेकिन वो यहाँ करेंगे इंडिया में ना, तो वो फिर चीप लगेगी। नहीं तो ये कि आप बहुत अच्छी लाइटिंग्स लगवाओ, तो भोपाल में तो अभी ऐसा कोई वर्क कर नहीं रहा है लाइटिंग्स का जिनके पास लाइट्स भी अवेलेबल हो और लगा भी दें। बट अगर मैं ढूंढूंगा, अगर कोई मिल गया ऐसा जो लाइट वगैरह फिट करे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद LED स्ट्राइप्स आती हैं वो मंगाऊंगा और वो करूंगा, क्योंकि मुझे तो वैसा ही लुक चाहिए भाई, मज़ा आ जाता है उस लुक को देखने के बाद। तो अभी रोल करते हैं और अपन जल्दी से चलते हैं। सही जगह भाई, बढ़िया, एक नंबर जगह, पास के पास। अच्छा टोटल दे देना, सही है भाई। किसका कैफे है आपका? कि ये कॉल इन्होंने किया ना भाई पहले तो किसका कैफे है, मतलब नहीं सही मैं पूछ रहा हूँ आपका। कांग्रेस भाई, तुमने भी इन्वेस्ट किया, कांग्रेचुलेशन भाई आपको भी। सही है यार बाबा,
तो गाइस यहाँ से 10 बज गए हैं और अब अपन निकल चुके हैं रवि भाई के पास। तो रवि भाई हैं अपना मैनेट चौराहे पे, इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक गए, मैंने बोला रुक जाओ यार, हम लोग जा रहे हैं फिर सिटी साइड। तो आज देखते हैं आज का क्या फन होने वाला है, क्या क्रेजी होने वाला है। ये देखो इसको मस्ती सूझ गई, अभी अटैक करेगा यार, दौड़ लगा रहा है भाई कि मैं जीतूंगा 600 सीसी बाइक से। जीत गया भाई, तू जीत गया। तो अपन जा रहे हैं रवि भाई के पास और देखते हैं आज क्या एक्साइटिंग होने वाला है। फिलहाल निकल चुका हूँ मैनेट चौराहे के लिए, जल्दी से पहुँचना है क्योंकि वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो। हम लोग कितने समय बाद निकले हैं, रात को 10 बजे के बाद। मतलब नाइट लाइफ कितनी सही होती थी पहले, कोरोना के बाद से तो सारी चीज़ें खराब हो गई। अब अपन जा रहे हैं तो अब देखते हैं आज का क्या सीन है, कितने बजे तक बाहर रहेंगे। लेकिन यह है कि बहुत दिनों बाद आज 10 बजे निकले हैं, 10 बजे बाहर निकले हैं, मतलब सोचो कितना सही है। मैं वैसे भी आज लेट ही निकला था, 8:30 बज गए थे जब इनके कैफे पे आया। थोड़ी देर बैठे हम लोग, माहौल एंजॉय किया, चाय वाय पी। तो अब अपन वहाँ निकले हैं मैनेट के लिए, 10 बज गए हैं, आज दिन अब स्टार्ट होने वाला है। तो क्या होने वाला है क्रेजी सा, स्टे ट्यून्ड रहो, मज़ा आने वाला है आज। बस दुआ करता हूँ कि सारी चीज़ें खुली मिल जाए खाने पीने की, नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। फिर तो सिटी वैसे तो खुला रहता था पहले, मतलब पहले तो आपको जब चाहो जब जो चीज़ मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि कोरोना के बाद से रिस्ट्रिक्शन इतने आ गए हैं तो आई डोंट नो वो खुला रहेगा कि नहीं। रोडें बहुत ख़राब हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। रवि भाई का कॉल आया था, वो लोग मैनेट के सामने पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर हो गई इंतज़ार करते हुए, 5-7 मिनट हो गए। तो बस अपन पहुँच ही चुके हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेगा अपन को भी मैनेट पहुँचने में। फिर वहाँ से वो लोग सब ज्वाइन करेंगे, शायद 3-4 लोग हैं वो लोग। मतलब पूरा पलटन जा रही है आज तो, बहुत टाइम हो गया यार बाहर निकले, बहुत ज़्यादा टाइम। पता नहीं रोड कब सुधरेगी भोपाल की, आजकल तो मूड खराब हो जाता है बाइक चलाने पे। ये सिंगल लेन कर दी अभी, नहीं 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 पहले सिंगल लेन थी, अब खोल दिया है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, शायद बंद कर दिया, देखो अब कब चालू होगा। चलो लेट्स रोल। एनीवे क्या हुआ भाई, चलो क्या हुआ क्या? अरे सीट है भाई, सीट है। चलो अच्छा अच्छा, बहुत दूर से ही आवाज आ गई होगी। कब आएगा कब आएगा, हम कब से पीछे ही देख रहे हैं, देखना आई क्या आवाज आएगी। क्या भाई पूरी फौज जा रही है आज तो। अरे बैठे बैठे माहौल बन गया, चलो हां भाई को बहुत तेज लग रही है। हां तू तो गिरते गिरते बच गया, अभी आवाज सुन के क्या हो गया था तेरे को, ऐसे टकमगा गई साइकिल। एकदम इतनी तेज आवाज आ रही, मैं डर गया, अरे क्या हो गया।
चल ठीक है, नीचे से एरोप्लेन जा रहा है। चलो बोल रहे, मैंने सोचा सड़क पे से एरोप्लेन जा रहा है। आया भूसा नहीं है भाई, यही यही तुम रह गए। जो गाड़ी की आवाज आई वो बोला आया भूसा। कितने टाइम बाद अपन 10 बजे निकले, नहीं तो 10 बजे वापस हो जाते थे भाई। बस खुला मिल जाए यार वहाँ, सब अब सब हो गया, सब रिस्ट्रिक्शन खत्म। नादरा वगैरह खुला होगा, वही देखना है। तू पहली बार बैठ रहा है, तेरा भी रिएक्शन लूंगा मैं।